तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर कंप्यूटर स्किल्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्विच केस के बारे में, ठीक है। तो जो सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल चल रहा था उसको हम अब जारी रखेंगे, लगातार रोजाना वीडियो डालने की मैं कोशिश भी करने वाला हूँ अब आपके लिए, सिर्फ संडे छोड़ के, ठीक है। तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले जानेंगे हम स्विच केस होता क्या है, उसके बाद स्विच केस का सिंटैक्स देखेंगे हम, और उसी के बाद एक स्विच केस का छोटा सा प्रोग्राम भी बनाकर आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि एक बेसिक सा प्रोग्राम रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्विच केस होता क्या है। तो स्विच केस मतलब होता है मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट। मतलब क्या होता है, ये काम कैसे करता है, इसका काम क्या रहता है। जब किसी प्रोग्राम को हम बनाते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस रहती है, उसमें से एक चॉइस को एग्जीक्यूट करवाना इसका काम रहता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही हम एटीएम में जाते हैं और हमारा कार्ड को हम एटीएम मशीन में लगाते हैं, ठीक है। तो मशीन में लगाने के बाद ही हमें पर वहाँ पर मल्टीपल चॉइस आ जाती है, ट्रांजेक्शन और हमारा बैलेंस इंक्वायरी वगैरह वगैरह, हमारे पास मल्टीपल चॉइस आ जाती है, आपने देखा ही होगा। उसमें से हम जिसे सिलेक्ट करते हैं वही हमारा केस एग्जीक्यूट होता है। तो स्विच केस बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, जो केस को की यूज़र को ज़रूरत थी उस प्रोग्राम में उसी को वो एग्जीक्यूट कराने का ये काम करता है। तो ये होता है हमारा स्विच केस, ठीक है। तो स्विच केस में एक ब्रेक स्टेटमेंट भी होता है, जिससे कि पहला जो केस रहता है वो टर्मिनेट हो जाता है और अगला जो हमारा केस जो चलता है जो ट्रू रहता है वो हमारा केस को चलाने में मदद करता है। हमारा बी ब्रेक स्टेटमेंट या ब्रेक की जो स्विच केस में होती है, ठीक है। तो अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मली सा है, जो आपकी साइड स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहले हमारा स्विच केस और जो एक्सप्रेशन आपको जो दिख रही है इसमें, इस एक्सप्रेशन में हमारा स्विच केस का नाम रहेगा और केस वन वैल्यू। तो जो केस वन की वैल्यू रहेगी, जो हमारा केस फर्स्ट रहेगा, और उसके बाद नीचे आपको कोड लिखना है, आपको जो भी इसमें परफॉर्मेंस चाहिए, जैसे कि एडिशन करवाना है, ये वाले केस रहे तो ऐसा एडिशन हो। तो यहाँ पर हमारा जो भी कोड हमको एग्जीक्यूट करवाना है वो कोड हमारा यहाँ पर लिखाएगा। सेम टू सेम हमारा ब्रेक स्टेटमेंट है, जो कि हमारी लाइन टर्मिनेट, हमारा केस को टर्मिनेट करने का काम करेगा। और उसी के जस्ट नीचे आप देख रहे हैं वापस सेकंड केस ऐसा कैसा है, और आपको एक नई चीज़ दिख रही होगी नीचे, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट मीन्स होता है कि जो हमारे जितने भी केस रहेंगे उस प्रोग्राम में, अगर उस प्रोग्राम में केस से कुछ अलग रहता है तो हमारा डिफॉल्ट काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारा ही देखते होंगे कि अरे यार ठीक है चल ये नहीं होगा तो वो तो हो ही जाएगा, ऐसा बहुत सी चीज़ों में होता ही है, ठीक है। तो अब इसका हम बेसिक सा एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पर, और ये हम आ चुके हैं हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। आप जो देख रहे हैं आपके सामने आ चुकी होगी। तो अब हम ओपन कर लेते हैं हमारा एमएस का टर्बो C++, जो कि आपके सामने ही ओपन हो रहा है। तो ये हमारा ओपन हो चुका है, जिसमें एक पहले से ही आपका स्विच केस का प्रोग्राम बना हुआ था। तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, वापस से आपके लिए पूरा न्यू प्रोग्राम हम बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या रहेगा कि एक डे का दो प्रोग्राम बनाएंगे हम, जिसमें मैं कोई की वन जो प्रेस करूँ तो संडे आ जाए और की टू प्रेस करूँ तो मंडे आ जाए, ठीक है। और ये दोनों की के अलावा कोई अलग की मैं प्रेस करता हूँ तो आ जाए, कोई भी मैसेज लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल सा प्रोग्राम रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंक्लूड हमारी हेडर फाइल लगा लेते हैं stdio.h, फिर हैश इंक्लूड पोनियो डॉट एच, ये यहाँ पर ब्रैकेट रह गया है। तो ब्रैकेट जैसे आप देख रहे हैं, तो ये ब्रैकेट कभी कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी में हमारे ब्रैकेट वगैरह रह जाते हैं, जिससे हमारी नॉर्मल सी इरर आ जाती है और हमारा माथा कपाते हैं कि यार भैया क्या इरर आ गई है। तो ये हमने हमारा मेन फंक्शन भी कॉल कर लिया। मैं इंट लेके पटक देता हूँ आपको, क्योंकि हम अभी यहीं से नॉर्मल सा बेसिक सा प्रोग्राम बना रहे, तो हमारा जो भी केस रहेगा उसको यहीं से परफॉर्म करके देखेंगे, यहीं से चलाकर उसे देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये। अब क्या करेंगे हम कि हमारा जो स्विच केस है उसको हम लिख लेते हैं स्विच। अब हमारे केस का नाम दे देता हूँ मैं डे, जो एक्सप्रेशन में मैंने आपको सिंटेक्स में बताया ही था। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा केस रहेगा उसकी बॉडी वगैरह हमको स्टार्ट करनी रहेगी। तो मैं यहाँ पर बॉडी को स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बॉडी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बॉडी मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है।
उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस वन, ठीक है, केस वन ये लिखा मैंने, ये हमारा कुछ इस तरह से मैंने केस वन लिखा है। अब केस वन में हो क्या, तो केस वन मतलब प्रिंट, मतलब मैं एक दबा रहा हूँ, वन मतलब एक दबाऊंगा, प्रेस वन करूंगा, तो क्या प्रिंट होना चाहिए हमारा, प्रिंट एफ संडे, एस यू एन डी ए वाई, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, संडे। अब लाइन टर्मिनेट हो जाए, ये वाला केस हमारा सही रहे, तो बाकी सारे नीचे वाले जो भी हमारे केसेस लगे वो क्या हो जाए हमारे टर्मिनेट। इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। सेम टू सेम हमारा क्या करेंगे, केस टू को हम रन करेंगे, जो हमारा केस टू है जिसमें हम मैं की प्रेस टू करूँगा, तो क्या हो जाए हमारा प्रिंट मंडे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मंडे लिख देता हूँ, एम ओ एन डी ए वाई, मंडे। अब यहाँ पे भी मैं ब्रेक को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, टर्मिनेटर भी लगा दिया है मैंने, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हमको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट को भी यूज़ करके देखना है, तो डिफ़ॉल्ट में क्या आ जाए हमारा, कि जब दोनों की हमने प्रेस ना की हो तो हमारा आना चाहिए कि प्लीज़ सिलेक्ट, प्रिंट करवा देता हूँ डिफॉल्ट में से, तो मैं पहले प्रिंट एफ का मैसेज डाल देते हैं, हम प्रिंट एफ प्लीज सिलेक्ट राइट, ठीक है, और मैं यहाँ पर भी हमारा ब्रेक स्टेटमेंट लगा देता हूँ, ये ब्रेक स्टेटमेंट लग चुका है, बॉडी बंद कर दी है। फिर मैं यहाँ पर प्रोग्राम को रोकने के लिए गेट सी एच भी यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, जो हमारी कोनियों को वो करेगा। अब उसके बाद अब इंट में हमको प्रोग्राम को यहीं से रन करवाना है, तो इंट में हमारा जो इसका नाम है इसी को मैं यहाँ से डिक्लेयर कर देता हूँ स्विच केस का, और मैं प्रिंट कर देता हूँ वन, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एफ नाइन करता हूँ, दो एरर आती है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो स्विच की केस में हमारी दो एरर आ रही है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी गलतियाँ क्या है, अब हम एरर को निकालने का ट्राई करेंगे। तो स्विच की जो प्रोटोटाइप बता रहा है वो कुछ गलत बता रहा है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ स्पेस वगैरह का दिक्कत हो सकता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं पहले, तो कि यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या, अभी भी दो है, तो स्विच केस के में ही दिक्कत है हमारा, तो WITCH ये हमारी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक थी स्विच की, तो उसके कारण हमारा एक दिक्कत आ रही थी। अब प्रिंट में प्रिंट एफ नहीं लगाया मैंने, तो ये एफ भी लगा दिया है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप, कोई भी एरर नहीं है और हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो प्रोग्राम से मैं आपको ऐसी छोटी छोटी एरर सब देखने को मिल सकती है, तो इन्हें हमको देख के घबराना नहीं है। तो मैं आपको डिफ़ॉल्ट को भी चला के दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ डिफ़ॉल्ट को भी चला के चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं है हमारा। तो मैंने की करीब पाँच फाइव को प्रेस किया है, अब एफ नाइन करते हैं संडे, मतलब हमारे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में कुछ दिक्कत है, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट अब चलना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी चल चुका है। तो ऐसी छोटी छोटी एरर्स आती रहती हैं, इनसे घबराना नहीं है हमें। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में।